রাত পোহালেই নবরাত্রি। বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব শান্তির জন্য নবরাত্রি উদযাপন করে চলেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ওয়েলম্যান গ্রুপের সিইও ললিত শর্মা। আজ ছিল মহা অষ্টমী। হিন্দু নবরাত্রি উপলক্ষে আজ কলকাতার 46 নম্বর ওয়ার্ডে ওয়েলম্যান গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে পালিত হল চৈত্র নবরাত্রি। এদিন বেনারসের 11 জন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা নবরাত্রি মহামন্ত্র জপ করা হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানি সিইও ললিত শর্মা, রূপা সাউ সহ অন্যান্যরা। এবারের এই নবরাত্রি পুজো আগামী শনিবার সমাপ্ত হবে। 11 দিন চলবে পুরো, কালকে 9 দিন হবে। আর আমার 11 পণ্ডিত রাশি বিশেষ আমাদের গুরুজির কবছর দিয়ে ভাবছিলাম যে একটা সমাজ কল্যাণ জন্য একটা এরকম করি, যাতে যা এখন ভারতের অবস্থা চলছে, কোনো বেমারি কোনো কি একটা ভালো শান্তি করতে পাই, এটা চেষ্টা করছিলাম। সোশ্যাল ওয়ার্ক করি, এটা তো মিডিয়া জানে। তবে গুরুজিকে 4-5 বছর ধরে চেষ্টা করছিলাম, এইবার আমি গুরুজিকে পেলাম। আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি গুরুদেবকে পেলাম, আর খুব গুরুদেবকে রিকোয়েস্ট করলাম যে একবার একটা করুন। তাই গুরু এলো, এবার করছে, আপনারাও ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আর বিশ্ব শান্তির জন্য করছি। এটা কোনো আমাদের কোনো পলিটিক্যাল এখানে ফান্ডা নেই, বা এখানে বিশ্ব শান্তি, সবাই শান্তি থাকুক, সুখ থাকুক। পরবর্তী এইখানে প্রথমবার এখানে অফিসে করলাম, আর প্রত্যেক বছর গুরুদেব যদি টাইম থাকে, বললাম না আমার গুরুদেব কাছে তো টাইম থাকে না, টাইম থাকলে প্রত্যেক বছরই হবে। আগে মায়ের কৃপা, মায়ের কাছে প্রার্থনা এটাই করলাম যে মা এইবার আবার যেন ঘুরে, কোভিড কয়েকদিন শুনছি কোভিডটা যেন আর ঘুরে না আসে, সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, এটাই মায়ের কাছে কামনা। দেখিয়ে আমারে সনাতন পরম্পরা মে দেবী কি উপাসনা, শক্তি কি উপাসনা কা বড়া মহত্ব হ্যায়। আর ইসি সনাতন পরম্পরা মে नव वर्ष के प्रारंभ से ही लेकर के 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। और हमारी इसी सनातन परंपरा में 4 नवरात्रि होती है, इसमें से 2 नवरात्रि प्रकट रूप में होती है, जो चैत्र की नवरात्रि है, जहाँ से नव संवत्सर प्रारंभ होता है, उसे नव वासंतीय नवरात्र कहते हैं। और उसी प्रकार से जो शारदीय नवरात्रि होती है, तो बंगाल में आपके यहाँ शारदीय नवरात्रि का विशेष विधान पूजन का होता है, तो इसमें भगवती देवी की सप्तशती, दुर्गा सप्तशती जी का पठन है, उसका विशेष रूप से किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो ये कर रहे हैं उसका सततंडी अनुष्ठान, यानी सप्तशती के 100 पाठ, और उसमें भी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्वतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस मंत्र से संपुटित भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पठन करने जा रहे हैं। शक्ति के बिना ऐसा कहा गया है कि शिव भी बिना शक्ति के शव के समान है, इसलिए शक्ति की आराधना हमारे सनातन परंपरा में विशेष रूप से कही गई है। और क्योंकि इस समय मौसम परिवर्तन होता है, वासंती नवरात्र में यहाँ जहाँ से नव संवत्सर प्रारंभ होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है, तो इस समय उपवास करके अपने जो वात पित्त और कफ, इन त्रि दोषों को समन करने के लिए 9 दिन तक साधना उपासना करनी चाहिए। इससे सभी का आरोग्य, बल और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 11 पंडित बैठ करके पूरा 11 दिन तक ये अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें 100 पाठ पूरे होंगे और फिर हवन होगा। कल जो महानवमी है, तो महानवमी के दिन हमेशा के जो पूजन और पाठ होने के बाद में विशेष भगवती का जो बलि प्रदान होता है, सात्विक बलि जो होती है, वो क्रम किया जाएगा। हम तो यही कामना करते हैं कि भारत में, विश्व में शांति रहे और समाज में एकता बनी रहे, भाईचारे की कामना बनी रहे, एम हैंग लिंक लिंग चामुंडा विचे जाप से पूरा दुख दूर होता है, और सभी धर्म हम एक रहें, हम सब भारतीय हैं। और इस नवरात्र के प्रारंभ में 11 दिन नवरात्र करने से सुख शांति और धन धान्य की कभी कभी कमी नहीं रहती है, और सुख संपत्ति की पूर्ति होती है। और हम तो भगवान से, भगवती नव दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं, सब में शांति रहे, विश्व में शांति रहे और सब में कल्याण हो, तथास्तु। महिला कुआरे यही बोलना चाहते, माँ भगवती सबके लिए जो है प्रसन्न रहे सबके लिए। कल 9 कन्या का हम लोग का यहाँ पर पूजन है, हम लोग यही कामना करेंगे सबका जो है कल्याण हो।